नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ना, रेडमी नोट 11। तो दोस्तों, रेडमी नोट 11 में हम बताने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो बटन लॉक बटन है, जो स्क्रीन ऑफ बटन है, अगर आप उसको जब भी दाबते हैं तब भी आपका स्क्रीन लॉक हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम ये बताने वाले हैं, आप जब भी स्क्रीन पर दो बार टच करेंगे ना, तो स्क्रीन आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। दो बार और टच करेंगे तो स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा यही वीडियो है, रेडमी नोट 11। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और चलिए हम सेटिंग करके दिखा रहे हैं और कौन सा कंपनी का मोबाइल चला रहे हैं, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये है रेडमी नोट 11 5G 4G, जो भी आपका है इसमें सब आपका काम करेगा। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं सेटिंग पर। अगर दोस्तों आपका इस सेटिंग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, तो हम भी आप कौन सा कंपनी का मोबाइल चला रहे हैं उसके रिलेटेड हम वीडियो लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं सेटिंग पर। आप जैसे सेटिंग पे आएंगे, स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ ऑन डिस्प्ले लॉक लॉक स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं इस वाला जो ऑप्शन का है, इस पे आपको टच करना है। जैसे इस पे टच करेंगे कुछ इस, तो दोस्तों रेस्ट टू वेक, तो दोस्तों रेस्ट टू वेक वाला ऑप्शन है जो, उसको ऑन कर लेना। उसके बाद डबल टच टू वेक टर्न ऑफ स्क्रीन। तो दोस्तों, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऑन कर लेना। अगर ऑफ में ऑफ होगा तो ऑन कर लेंगे। जब जैसे ही ऑन कर लेंगे ना, उसके बाद आप जब भी आप स्क्रीन होम स्क्रीन पर आएंगे, दो बार टच करेंगे स्क्रीन ऑफ ऑफ हो जाएगा, दोबारा और टच करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।